already discussed about the types of banks, means commercial banks and central banks. Now let's talk about the difference between the central bank and the commercial banks. Already we know that central bank is related to the government bank. Central bank is an apex institutional of the monetary banking structure of the country. Means central bank is the whole soul of the monetary and the banking structure. It regulates the entire banking system of the country. Whereas commercial bank deal in money and credit for the purpose earning profit. And they operate under the guidelines of the central bank. तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सेंट्रल बैंक क्या है, इट रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, वेयर एज कमर्शियल बैंक्स शुड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. देन द ऑब्जेक्ट, द सेंट्रल बैंक इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन एंड इट एक्ट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट. तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, उसका मेन मोटो प्रॉफिट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका मेन जो एक्ट होता है वो होता है कि लोगों को क्या चीजें चाहिए, लोगों के लिए क्या चीजें जो है वो जो अच्छी रहेंगी, बेस्ट रहेंगी, एंड आपकी इकोनॉमी किस तरीके से जो है वो ग्रोथ करेगी. ठीक है, एंड द कमर्शियल बैंक्स इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, देन द ओनरशिप, सेंट्रल बैंक इज जनरली अ गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो आपका जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, That is the government owned institution, whereas commercial banks may be both privately owned or government owned institutions. ठीक है, प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट के अंडर भी आपके जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ओपन हो सकते हैं. ठीक है, देन द सेंट्रल बैंक, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, देर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक. ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर आपका एक ही सेंट्रल बैंक होता है विद अ फ्यू ऑफिसेस इन अ कंट्री. ठीक है, और उसके क्या होंगे, उसके सब ब्रांचेस होंगे, उसके कुछ ऑफिसेस होंगे. और सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो इट मींस ओनली वन इज देयर, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड इन कमर्शियल बैंक देयर आर अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन एवरी कंट्री विद अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल्सो इवन अब्रॉड. मीन्स हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे हमने कहा पीएनबी है, एसबीआई है, आंध्रा है, नैनीताल है, एंड सो मैनी. ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर नोट इशूइंग. ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल बैंक हैज द सोल मोनोपोली ओवर नोट इश्यूज. यहाँ पे होल सेल जो मोनोपोली होती है नोट इशू की, करेंसी की, वो सिर्फ आरबीआई के पास होती है. जबकि कमर्शियल बैंक में क्या होता है, कमर्शियल बैंक हैज नॉट एनी टाइप ऑफ होल सोल मोनोपोली फॉर इशूइंग नोट्स. ठीक है, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू नोट्स, यहाँ पे कमर्शियल बैंक इशू नहीं कर सकता है नोट्स, जबकि पूरी होल सोल जो मोनोपोली होती है वो सिर्फ आपके आरबीआई के पास ही होती है. ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल इज द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक, वेरियस कमर्शियल बैंक हैव नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे ओनली फॉलो द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या करेगा, बस फॉलो करेगा पॉलिसी को जो सेंट्रल बैंक ने आपको प्रोवाइड करी है. वेरियस जब हम बात करते हैं क्रेडिट की, तो क्रेडिट में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका चाहे वो बैंक रेट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की हम बात कर रहे हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारी जो है वो आपकी क्वांटिटेटिव डाटा आता है, जैसे बैंक रेट हो गया आपका, रिजर्व रेशियो हो गया आपका, आरआरआर हो गया आपका, रेपो रेट हो गया आपका, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक है, बैंक रेट आपका हो गया, यहाँ पे एसएलआर है, ठीक है, हमारा सीआरआर है. दीज ऑल आर रिलेटेड टू द क्रेडिट कंट्रोल एंड दीज ऑल मॉनेटरी पॉलिसीज आर रन बाय द आरबीआई. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक.